दोस्तों आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और स्वागत है आपका आस्क टेक्नोलॉजी द एडुटेक इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3G के बारे में कि 3G क्या होता है और क्या उसकी एडवांटेजेस होती हैं। तो आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए 3G के बारे में बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 3G में क्या होता है, 3G हमारी जैपनीज टर्म है जिसमें कि हमारे 3 वर्ड्स आते हैं जो कि जी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसे 3G प्रिंसिपल बोला जाता है। तो इसमें किस तरीके से काम होता है, वो 3G होते कौन से हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम आगे। उससे पहले थोड़ी जनरल बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैपनीज जो हैं वो आज वर्ल्ड में कैसे लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका बना लेते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर देते हैं, ताकि कोई भी नया बंदा आके अगर वो उस काम को करना चाहता है तो वो स्टैंडर्ड को पढ़ सकता है, समझ सकता है इजीली, और फिर उसे फॉलो कर सकता है, ताकि वो एक सिस्टमेटिक वे में काम करे। तो जैपनीज़ का यही मैनेजमेंट का तरीका उन्हें सबसे टॉप पे ले जाता है। तो जैसे कि हम सबको पता है, एक जनरल वे में किसी भी काम को कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी लाइन पर प्रॉब्लम आ गई, अब हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस लाइन पर जाएंगे, उस प्रोसेस को देखेंगे जहाँ पर वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें कैसे डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, हम कैसे एनालाइज़ करेंगे कि वो प्रोडक्ट बन कैसे रहा है, उसमें मशीन में कौन कौन से पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, किन्हें हमने कंट्रोल करा हुआ है, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो पैरामीटर्स अप डाउन तो नहीं है, या फिर मैन का फॉल्ट तो नहीं है, या फिर मटेरियल का फॉल्ट तो नहीं है। हम ये सब चीज़ें एनालाइज़ करेंगे, उसके बाद जहाँ पे भी हमें डाटा के अकॉर्डिंग दिक्कत लगेगी उस चीज़ को हम पकड़ लेंगे कि हाँ भाई, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो फिर क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि उसका रूट कॉज क्या है। तो ये एक तरीका होगा जनरल सा किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का और उसके रूट कॉज तक पहुंचने का। बट जैपनीज़ क्या करते हैं, वो इसी का एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश कर देते हैं कि भैया, आपको इस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, ऐसे ऐसे आपको सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप देखना है कि भैया प्रॉब्लम आ कैसे रही है और कैसे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। तो 3G में भी कुछ इस तरीके से ही होता है। तो वो एक्चुअल में होता कैसे है, कौन से वो 3 वर्ड्स हैं, क्या क्या उसमें प्रिंसिपल में स्टेप्स आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 3G के साथ। तो ये जो हमारे 3G हैं, ये हमारे 3 वर्ड्स हैं जो कि जी से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इसे 3G बोलते हैं। और ये हमारे जैपनीज वर्ड हैं, इन्हें हम 3 गैन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हैं GEN गैन से स्टार्ट होते हैं। इसमें पहला वर्ड हमारा आता है गैनची, फिर आता है गैनबुत्सु, फिर आता है गैनजित्सु। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कंटेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें हम ज़्यादा थ्योरी स्टडी नहीं करेंगे, बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि 3G होता क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू 3G, एग्जैक्टली हम इसमें बात करेंगे 5G के बारे में। थोड़ा मैंने इसे बढ़ा दिया हल्का सा, क्योंकि नॉर्मली सभी इंडस्ट्रीज में इसे 3G के नाम से जानते हैं, बट इसे 5G के नाम से भी जाना जाता है जब हम इसके कुछ 2G और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो कौन कौन से जी हैं, इसे हम 3G ही क्यों कहते हैं और 5G क्यों नहीं कहते हैं, या फिर 5G है तो वो कौन कौन से 5G हैं, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो इसमें फिर हम 5G को ब्रीफली स्टडी करेंगे और एडवांटेज की बात करेंगे इन 5G के बारे में। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं 5G के बारे में। तो ये 5G कौन कौन से हमारे, सबसे पहला आता है हमारा गैनची या फिर गैम्बा। गैम्बा बहुत ही पॉपुलर वर्ड है जैपनीज़, आप सभी लोग जानते ही होंगे गैम्बा होता क्या है। आगे हम स्टडी करेंगे डिटेल में थोड़ा कि गैम्बा गैनची है क्या चीज़। उसके बाद आता है गैनबुत्सु, फिर आता हमारा गैनरी, फिर आता हमारा गैनसुकु, फिर आता हमारा गैनजित्सु। तो ये जो हमारे 5 गैन और जो हमारे ये 5G वाले वर्ड्स हो गए, तो इससे हमारा 5G कंप्लीट हो गया है। ये जो मैंने ब्लू में दिखा रखा है यहाँ पे, ये ब्लू में इसलिए दिखा रखे हैं क्योंकि नॉर्मली ये आते नहीं है, तभी हमारा बन जाता है 3G में। होता क्या है, इसमें जो ये गैनबुत्सु है, इसी स्टेप में हम इन 2 को भी कंबाइन कर लेते हैं, तभी हमारा 3G हो जाता है, इसलिए हम मोस्टली इंडस्ट्रीज में से 3G के नाम से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी टर्म्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये होती क्या है। तो
ये एक्चुअल में यूज़ क्यों करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें डायग्नोस करनी होती है, सॉल्व करनी होती है, उसके रूट कॉज तक पहुंचना होता है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 1G से लेके 5G तक स्टेप्स आते हैं। तो पहले जी में क्या होता है, पहला जी हमारा होता है गेंची या फिर गैम्बा। गैम्बा बहुत ही पॉपुलर जैपनीज़ वर्ड है, आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा। तो गैम्बा का मतलब क्या होता है, रियल प्लेस, मतलब कि शॉप फ्लोर, जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं एक्चुअल में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, वो हो गया हमारा गैम्बा। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम ऑफिस में से निकल के गैम्बा में जाएंगे, मतलब कि उस रियल जगह पे जाएंगे जहाँ पे वो चीज़ बन रही है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड जी, जो कि होता है गैनबुत्सु। तो गैनबुत्सु क्या होता है, रियल टूल और रियल थिंग्स, मतलब कि वो चीज़ें, वो मशीनरी जो शॉप फ्लोर पर लगी हुई हैं, जिन पे एक्चुअल में काम हो रहा है, वो आ जाती है हमारी गैनबुत्सु में। तो उसमें हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारी कौन कौन सी मशीन्स लगी हुई हैं, उन पे कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं, ठीक है। उनको हम एग्ज़ामिन करते हैं कि वो मशीन किस तरीके से चल रही हैं, क्या उनका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह है। ये जो प्रिंसिपल की बात मैं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो 3G 4G जो ब्लू में मैंने दिखा रखे हैं, जब हम 3G की बात करते हैं, सिर्फ उसमें 3 ही G होते हैं, जब 5G नहीं होते हैं, तो ये जो सेकंड वाला जी है हमारा गैनबुत्सु, इसी के अंडर आ जाते हैं ये हमारे 3G और 4G भी, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा सा अब एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करके अब बात करते हैं 3G के बारे में, जो कि है गैनरी। तो गैनरी क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, दैट इज़ केमिकल और फिजिकल कंडीशन, मतलब कि कोई भी मशीनरी किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, उसे हम वेरीफाई करेंगे इसमें, उसके प्रिंसिपल को, कि जिस कंडीशन में इसे काम करना चाहिए, जो इन्वायरमेंट इसके लिए होना चाहिए, क्या वो उसी इन्वायरमेंट में काम कर रही है, नहीं कर रही है, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट उस पर नहीं पड़ रहे हैं, ये हम उसमें एनालाइज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 4G के बारे में, जो कि है गैनसोकु। तो गैनसोकु क्या होता है, इसमें हमारा आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और प्रोसेस पैरामीटर्स, मतलब कि किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, किसी भी मशीन को ऑपरेट करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसे कि हम SOP बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, क्या ऑपरेटर उसे फॉलो कर रहा है, हो सकता है वो उस मेथड को फॉलो ना कर रहा हो, इस वजह से हमारा पार्ट रिजेक्ट हो रहा हो, डिफेक्टिव बन रहा हो, ठीक है। और जो हमारी मशीनरी है, उसमें कुछ प्रोसेस के पैरामीटर्स डले होते हैं, जैसे कि अगर हमारी वेल्डिंग मशीन है तो उसमें कुछ करंट वोल्टेज की वैल्यू होगी, या फिर हमारी कोई CNC VMC मशीन है, कोई मशीनिंग की मशीन है, उसमें डेप्थ ऑफ कट हो गया, उसमें फीड स्पीड वो सब डाला होगा। तो वो जो प्रोसेस के पैरामीटर हैं, उन्हें हम वेरीफाई करेंगे कि क्या वो पैरामीटर्स एक्चुअल में वही चल रहे हैं जो कि हमने स्टैंडर्डाइज करे हैं, इसमें हम उन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। तो ये जो 3G 4G हैं, ये 3rd और 4G है हमारा, ये दोनों स्टेप हम 2G में ही कंसीडर कर लेते हैं, जो कि हमारी मशीनरी है, रियल टूल है, उसी में हम इन चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं, उसको एग्ज़ामिन कर लेते हैं कि जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है वो ठीक है या नहीं है, जो हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं है, जो हमने प्रोसेस के पैरामीटर्स फ्रीज किए हैं, क्या उसी प्रोसेस पैरामीटर पर मशीनरी काम कर रही है या नहीं कर रही, वो हम 2G में ही एग्जामिन कर लेते हैं। इसीलिए हम इसे 3G के नाम से ज़्यादा जानते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ये थर्ड वाला जी और 4G जो गैनरी और गैनसोकु है, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो अब बात करते हैं लास्ट में 5th G के बारे में, उसमें आता है हमारा गैनजित्सु। तो गैनजित्सु क्या होता है, ये है रियल फैक्ट्स एंड डाटा। जब हम एनालाइज कर लेते हैं कि जो हमारी मशीनरी है उसके प्रोसेस के पैरामीटर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो जब हम डाटा एनालाइज करते हैं, या फिर जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसे एनालाइज करते हैं, या फिर मैन मशीन मटेरियल मेथड को हम देखते हैं कि मैन में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर मेथड उसका ख़राब तो नहीं है, या फिर हमारा मटेरियल ही ठीक है या ख़राब है, ये सब चीज़ें हम एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम रियल फैक्ट्स पे आते हैं, डाटा को जो हमने कलेक्ट किया है वो देखते हैं एनालाइज करके कि कहाँ पे दिक्कत हमारी आ रही है। हो सकता है हमें प्रोसेस के पैरामीटर्स ख़राब मिलें, या फिर वर्किंग प्रिंसिपल हमारा ओके ना हो, या फिर हो सकता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो ना कर रहा हो हमारा ऑपरेटर, तो वो चीज़ इसमें पकड़ में आ जाती है इन फैक्ट्स के, इन डाटा के आधार पे।
तो एंड में हम इस डिसीजन पे पहुंच जाते हैं डाटा के बेसिस पे कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है, उससे हमें कॉज मिल जाता है कि जिसकी वजह से वो जो हमारे डिफेक्ट हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इस तरीके से ये चलता है 1G से लेके 5G तक। ये मैंने 3G 4G थोड़ा सा आपको इसमें खोल के बता दिए थे, जो कि 2G के ही अंडर आ जाते हैं वैसे, इसलिए हम इसे बोलते हैं 3G या फिर 3GAN प्रिंसिपल। तो अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस के बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एडवांटेज की सिंपली बात करें तो ये एक बहुत ही सिंपल सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है, बहुत ही ईजिली हम इसे सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा हमें ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हम सबको जनरली पता होता है कि कैसे प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है, तो ये भी एक जो सिंपल सिस्टमेटिक अप्रोच है ईजिली हम इसे समझ सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं, और ये हमारी हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में रूट कॉज को, ठीक है, और ये इंक्रीज़ करती है को वर्किंग कल्चर बिटवीन मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट, क्योंकि मैनेजर अपनी ऑफिस में से निकल के गैम्बा पे जाता है, शॉप फ्लोर पे जाता है और इंटरेक्शन करता है वर्कर्स के साथ और जो उसके जूनियर्स हैं उनके साथ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आ रही है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा शॉप फ्लोर पे रहते हैं। तो इससे को वर्किंग कल्चर भी डेवलप होता है और इसी के साथ ये एक एफिशिएंट वे में काम करता है सिस्टम, ठीक है, एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हमें इसमें मिलते हैं एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में। तो ये सारी इसकी एडवांटेजेस हो गई, और भी एडवांटेज हो सकती हैं, कुछ की हमने इसमें बात करी है। तो फ्रेंड्स ये सब था 3G के बारे में, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स ये सब था 3G के बारे में, जिसमें मैंने जाना कि वो 3G मतलब कि हमने 5G के बारे में जाना कि वो 5G कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग एंड बी टेक्निकल।